Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I am back with another video. So this video is the mock test 2 of financial accounting for semester 5 examination. इसके पहले एक mock test हमने ले लिया था, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो पहले वो mock test देखें फिर इसके साथ continue करें, उसका link मैं description में दे रहा हूँ. So आज के mock test में देखते हैं कि कौन से questions हैं, तो ध्यान से इसको देखें ताकि आपके और बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाए और आपके ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड एग्जाम में आपको फुल मार्क्स मिल पाए. द फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन डिवेंचर्स विल अपीयर अंडर द हेड डैश इन द बैलेंस शीट. तो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग या इंटरेस्ट एक्रूड जो है एंड ड्यू ऑन डिवेंचर्स विल अपीयर इन अंडर द हेड डैश इन द बैलेंस शीट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, अदर करंट लाइबिलिटीज या नन ऑफ द अबव. तो जो इंटरेस्ट है, जो एक्रूड होता है इंटरेस्ट एंड ड्यू, जिसको हम इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग भी बोल सकते हैं, वो कौन से हेड में लिखा जाता है बैलेंस शीट में. तो इसका राइट आंसर है अदर करंट लाइबिलिटीज. तो अदर करंट लाइबिलिटीज के हेडिंग के अंदर इंटरेस्ट एक्रूड एंड डिबेंचर्स को लिखा जाता है. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में हम डिबेंचर्स को लिखते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में हम बैंक ओवरड्राफ्ट को या शॉर्ट टर्म जो लोन लेते हैं उसको लिखते हैं, और अदर करंट लाइबिलिटीज में हम सारी आउटस्टैंडिंग चीजों को लिखते हैं. तो ये आपको याद रखना है, आउटस्टैंडिंग जो भी आएगा आपका, एक्रूड होगा, ड्यू होगा, वो सब हम अदर करंट लाइबिलिटीज में लिखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज शोन अंडर द हेड डैश इन द बैलेंस शीट, टैंजिबल असेट्स, इनटैंजिबल असेट्स, करंट असेट्स या नॉन करंट असेट्स. तो जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है वो कहाँ पे दिखाया जाएगा? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टैंजिबल असेट्स तो नहीं हो सकता है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर करंट असेट्स भी नहीं है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इनटैंजिबल असेट है, क्योंकि ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो हम देख नहीं सकते. जैसे हम सॉफ्टवेयर को फील कर सकते हैं, हमारे एक्सपीरियंस को फील कर सकते हैं हमारे एक्चुअल काम के साथ, दैट इज व्हाई इट इज दी इनटैंजिबल असेट्स. तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहाँ लिखा जाता है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज शोन अंडर द हेड इनटैंजिबल असेट्स इन द बैलेंस शीट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हेन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर सोल्ड, प्रॉफिट ऑन सच सेल इज ट्रांसफर टू. आपको एक चीज याद रखनी है, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंटिंग में जो भी आपको प्रॉफिट होगा या जो भी आपको लॉस होगा वो सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही ट्रांसफर होता है. तो इसके ऑप्शंस कुछ इस तरीके से है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिडक्शन. तो आपको याद रखना है इन्वेस्टमेंट्स अकाउंटिंग, जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का चैप्टर एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट, उसके काफी सारे एमसीक्यूज हमने लास्ट मॉक टेस्ट 1 में देखे थे. तो व्हाटएवर प्रॉफिट और लॉस अराइजेस फॉर द इन्वेस्टमेंट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो इसका राइट आंसर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व्स वन कंपनी, टू कंपनी, थ्री कंपनी, नन ऑफ द अबव. इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है हम हमारे बैलेंस शीट को रीड्राफ्ट करते हैं, हम हमारी असेट्स और लाइबिलिटीज के साथ वैल्यूएशन करते हैं, असेट्स और लाइबिलिटीज रिवैल्यूड होती है, एज वेल एज हमारे जो फिक्टिशियस असेट्स होते हैं वो हम राइट ऑफ कर लेते हैं. तो वो हमारे इंडिविजुअल कंपनी का ही होता है, इसीलिए द स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व्स, ऑप्शंस आर वन कंपनी, टू कंपनी, थ्री कंपनी या नन ऑफ द अबव. तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वन कंपनी, बिकॉज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हमेशा वन कंपनी का ही होता है. नेक्स्ट, इन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन द बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन इज यूटिलाइज फॉर. तो कैपिटल रिडक्शन का जो बैलेंस है वो कहाँ पे यूटिलाइज किया जाता है? कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन, सॉरी, कैपिटल रिडक्शन का जो बैलेंस है वो इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स के लिए यूज कर सकते हैं, राइटिंग ऑफ फिक्टिशियस असेट्स, पेइंग डिविडेंड या ऑल ऑफ द अबव. तो सबसे इंपॉर्टेंट है राइटिंग ऑफ फिक्टिशियस असेट्स. हम इनटैंजिबल और फिक्टिशियस असेट्स को राइट ऑफ करने के लिए, इनटैंजिबल जैसे गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, फिक्टिशियस असेट्स का मतलब होता है काल्पनिक असेट्स, फिक्टिशियस असेट्स जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, एनी काइंड ऑफ डेफर्ड चार्जेस, पब्लिसिटी कैंपेन एक्सपेंसेस, ऐसे सभी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए, फिक्टिशियस असेट्स को राइट ऑफ करने के लिए कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस हमें यूज कर सकते हैं. तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज राइटिंग ऑफ फिक्टिशियस असेट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, अभी ये क्वेश्चन आया था, थोड़ा अलग टाइप से पूछा है. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला सेलिंग प्राइस लेस कॉस्ट, वेटेड एवरेज कॉस्ट, बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू. तो आपको याद रखना है ये भी इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का ही क्वेश्चन है. इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में हम
जो भी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं उस कॉस्ट को बोला जाता है वेटेड एवरेज कॉस्ट। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट से ही हमें कैलकुलेशन करना है और उसी के बेसिस पे प्रॉफिट या लॉस ढूंढना है। तो सेलिंग प्राइस लेस वेटेड एवरेज कॉस्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्री रिजर्व। तो फ्री रिजर्व जो बायबैक ऑफ शेयर्स में फ्री रिजर्व्स अवेलेबल होते हैं जिससे हम बायबैक कर सकते हैं। तो ऑप्शंस आर जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व एंड ऑल ऑफ द अबव। तो देखो, जनरल रिजर्व भी फ्री रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑल्सो अ फ्री रिजर्व, और डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व भी फ्री रिजर्व है। फ्री रिजर्व मतलब ऐसे रिजर्व जो हम डिविडेंड देने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे आपने लास्ट ईयर एसओएम में एक चैप्टर पढ़ा होगा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियस, उसमें भी कुछ रिजर्व्स थे जैसे डिविजिबल प्रॉफिट्स और नॉन डिविजिबल प्रॉफिट्स। तो डिविजिबल प्रॉफिट्स के जैसे ही फ्री रिजर्व्स होते हैं जो हम फ्रीली यूज कर पाएंगे। तो जनरल रिजर्व इज ऑल्सो फ्री रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ऑल्सो फ्री रिजर्व, एंड डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व इज ऑल्सो फ्री रिजर्व। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज एन अमाउंट इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स बॉट बैक आउट ऑफ फ्री रिजर्व शुड बी ट्रांसफर टू। तो जितना भी हम इक्विटी शेयर्स बायबैक करेंगे उसका जितना भी फेस वैल्यू होगा वो कहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा, कौन से अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, जनरल रिजर्व, CRR, सिक्योरिटीज प्रीमियम या नन ऑफ द अबव। तो जनरल रिजर्व में तो ट्रांसफर नहीं होता है, हमें क्या क्रिएट करना पड़ता है, हमें CRR क्रिएट करना पड़ता है, दैट इज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो इसका सही आंसर बन जाएगा CRR, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो CRR वी आर क्रिएटिंग फेस वैल्यू ऑफ दी रिडम्पशन, द फेस वैल्यू ऑफ दी बायबैक माइनस प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू। तो बायबैक में वैसे प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू बहुत कम पूछते हैं, इसीलिए जो भी आपके इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू होगा उतना ही हम CRR क्रिएट करेंगे। दैट इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज CRR। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर बायबैक द डेप्ट इक्विटी रेशियो शुड नॉट एक्सीड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ट्रू और फॉल्स में भी पूछा जा सकता है। तो बायबैक के बाद आपका डेप्ट और इक्विटी का जो रेशियो है वो 2:1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दी ऑप्शन आर 2:1, 1:1, 3:1, नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2:1। तो आपको याद रखना है, तो 2:1 से आपका डेप्ट इक्विटी रेशियो अगर बढ़ जाएगा तो आप बायबैक नहीं कर पाएंगे। दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू योर क्वेश्चन। सो डेप्ट इक्विटी रेशियो 2:1 को एक्सीड नहीं करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग इज गवर्न्ड बाय AS 11, AS 12, AS 13, AS 14। ये भी आपको याद रखना है, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो AS 11 है, 12 है, 13 है या 14 है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का जो स्टैंडर्ड है वो है AS 13। तो AS 13 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो AS 13 आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जा सकता है, MCQs में आ सकता है, ट्रू और फॉल्स में भी पूछा जा सकता है, इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 आपको याद रखना है। नेक्स्ट, सो दिज आर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर MCQs मॉक टेस्ट 2। अगर आपको लेसन अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें, सो दैट जैसे ही आपको नए नए लेसन्स में इसमें ऐड करूंगा वो आपको नोटिफिकेशंस आ जाएगा। एंड दिस विल बी अ प्रिपरेशंस रिलेटेड टू योर ऑब्जेक्टिव्स एज कंसर्न। साइड बाय साइड अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हो और उसके साथ ये MCQs भी अटेम्प्ट कर रहे हो। तो अगले बार मिलेंगे नए MCQs के साथ। टिल देन, एज ऑलवेज, बाय बाय, वर्क हार्डर, बी स्मार्टर।